तो मैंने आज इनको अपना गेस्ट बनाया है, उनका नाम है शिफा नकवी। अस्सलाम वालेकुम शिफाबी। मैं तुम्हें अपनी बेटी समझ के इस घर में लेकर आई थी, इसलिए नहीं लेकर आई थी कि तुम मेरे ही बेटे से मेरी ही शिकायतें करोगी। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। क्या आपको कभी किसी से मोहब्बत हुई है? लड़के ऐसे ही होते हैं। अगर तो फिर अपने हस्बैंड को लगाम डालो ना, मुझे क्यों कह रही हो? अगर तुम पीछे हट सकती हो तो फिर तुम क्यों नहीं हटती? क्यों मेरा घर तबाह करने पर लगी हुई हो? तो ये हिजाब का क्या सीन है? ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। नाज़रीन, इस वक्त आप देख रहे हैं APNN डिजिटल और मैं आपकी मेज़बान आप सबको खुशामदीद कहती हूँ द निमराली शो में। और आज जो मेरी गेस्ट है ना, वो एकदम स्पेशल गेस्ट हैं। शी इज़ नॉट अ सेलिब्रिटी, शी इज़ नॉट अ, वो कोई खास चीज़ नहीं है, ठीक है ना। जैसे मैं गेस्ट बुलाती हूँ कि वो बहुत ही नॉन पर्सन होते हैं जिनको हर कोई जानता होता है, लेकिन ये ऐसी है नहीं। हाँ हैं, मेरे लिए तो हैं, ऑफ कोर्स हैं। मेरे साथ भी लोगों ने इनको देखा, हम लोगों के बारे में लोगों ने बड़ी तनकीदें भी की, ये क्या है, तुम इनसे जान रही हो, तुम ये हो, तुम वो, ऐसा हुआ, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद हमें 2-3 शो तो यही बनाने में लग गए कि नहीं जी, हम अच्छे दोस्त हैं। अगर कोई किसी के बारे में मजाक कर लेता तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उससे बड़ा जेलस हो रहा है, उसके जैसा कोई है नहीं, उसके जैसा फला 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 जो गोली मारो। लेकिन वो ऐसी है नहीं, और मुझे वो बहुत प्यारी लगती हैं, उनको मैं बहुत प्यारी लगती हूँ। तो मैंने आज इनको अपना गेस्ट बनाया है, उनका नाम है शिफा नकवी। अस्सलाम वालेकुम शिफाबी। शिफाबी, हम मैं इनको कहती हूँ प्यार से। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र मैं ठीक हूँ, मैं आप कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं इनसे अपनी बातों का सिलसिला जारी रखूंगी। यहाँ ना तो कोई गेस्ट है, ना ही कोई एंकर है, ना ही कोई होस्ट है, यहाँ पर हम लोग दोस्त हैं। बिल्कुल, ये तो शेर बन गया। ना यहाँ पर कोई एंकर है, ना यहाँ पर कोई गेस्ट है, ना ही कोई होस्ट है, ये दोस्तों का शो है, ठीक है ना। तो ये मेरी दोस्त है, मैं इनसे अपने ये भी मुझसे सवाल करेंगी, मैं भी इनसे सवाल करूंगी, ये मेरे सवालों का जवाब देंगी, मैं इनके सवालों का जवाब दूंगी, और इसी तरह हम करेंगे शो जारी। नहीं, हम एक दूसरे से बात करेंगे, एक डीप कन्वर्सेशन करेंगे, बाद में आप डिसाइड कीजिएगा कि एंकर कौन है, होस्ट कौन है, एंकर है, होस्ट कौन है, और मेहमान गेस्ट कौन है, गेस्ट। चलें, आप पहले सवाल करेंगे कि मैं करूंगी? आई थिंक आप करें, इतनी लंबी जो तमहीद आपने शुरू की है, मेरे ख्याल से पहला सवाल आपको देना चाहिए। अच्छा, क्योंकि हम जब फर्स्ट टाइम मिले थे ना, तो हमारी इतनी कोई खास बात नहीं हुई थी, क्योंकि बहुत खास बात, हाँ, हमारी लोगों के लिए बहुत खास हुई थी। यानी तब हम पहली बार मिले थे ना, तो मैं आपको कोई खास तरीके से जानती थी ना, आप तो ऑफ कोर्स मैं तो वायरल हूँ, मुझे तो सब जानते थे, लेकिन जब हम मिले फर्स्ट, जब मेरा इंटरव्यू था, फर्स्ट डे जब था मेरा, तो आपको मुझसे मिलकर कैसा लगा था? हाँ, मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा था। फर्स्टली एक बात है, यहाँ पे कॉट करूँगी कि लोगों ने हमें बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया था, इसलिए कि लोगों ने कहा कि मैंने आप पे नेगेटिव कमेंट्स किए। दैट वाज नॉट नेगेटिव, वो नेगेटिव नहीं थे, वो एक मजाक का अंदाज़ है मेरा। एंड द सेकेंड थिंग इज़ दैट कि मुझे कहा गया था कि ये फेक है, ये ऐसी नहीं है, ये बंदी है। नहीं, लेकिन हाँ, आप कुछ जो नेगेटिव लोग थे, जो मनफी सोच रखते हैं, उन्होंने ही मुझे ऐसा कहा था। तो जब मैं आपसे मिली तो मेरे माइंड में यही था कि लाइक निमरा जो है वो बस एक्टिंग करती है, एक्चुअल में वो ऐसी नहीं है। लेकिन मैं एक बात बता दूँ, मैं इसे मिली, इसके घर गई, बहुत अच्छा मज़ा आया आपके घर वालों से मिल के, इनकी वालदा से, इनकी भाभी से, भाई से, उन छोटे छोटे बच्चों से, बहुत मज़ा आया, ओवरऑल बहुत अच्छा रहा। फिर मुझे पता चला कि नहीं, ये वाकई ही ऐसी है, ये इतनी ही इनोसेंट है, बात पहले करती है और सोचती बाद में है। और छोटे जब ये बचपन में ना, इसकी कव्वे से बहुत अच्छी दोस्ती रही थी, मैं बता दूं, तो ये कव्वे की वजह से उससे बहुत ज्यादा फैसिनेट है, इसलिए बहुत बोलती है, और ये ऐसी ही है। हाँ, मेरा अगला सवाल ये है, इन्होंने मेरे बारे में ऐसे सब मेरे बारे में बोलते हैं। मैं आपको बताऊँ, मैं जितना ज्यादा बोलती हूँ ना, ये मेरे से भी ज्यादा बोलती हैं। ये तो कैमरा है, चलो ठीक है, लेकिन ये मेरे जैसी ही है। आपको आपके घर वाले कहते हैं ना, इसमें कोई नई बात है, तुम भी तो निमरा जितना ही बोलती हो, कहते हैं ना सब, तो आप मेरे जितना ही बोलती हैं। तुम्हारे साथ फर्स्ट इंटरव्यू किया तो मुझे रिव्यूज ये है, ये कौन सी कमाल की बात है, तुम भी इतना ही बोलती हो। सब यही कहते हैं, अगर मेरे से मुझे भी अगर मैं कोई कमेंट पढ़ू ना, यार मैं आपकी डिटो कॉपी हूँ, मैं अभी आपकी की तरह बोलती हूँ, मैं अभी आपकी, फिर मेरे दिल में आता है मेरे में फिर क्या खास है जो मैं वायरल हो गई हूँ, तो सब मेरे जैसे ही है। मैं बताती हूँ, एक
एक ड्रामा था यमुना जैदी का जी, हाँ, हाँ. जिसके अंदर महजबीन का एक करेक्टर था, तो मैं उस वो बहुत रिजेम्बलेंस है, बहुत प्योर हार्टेड थी और वो भी इसी तरह इनोसेंट थी, तो मेरे ख्याल से वो एक ड्रामाई दुनिया में और तुम एक हकीकी दुनिया में महजबीन हो, यही तुम्हारा वो पहलू है जो लोगों को पसंद आता है, इसीलिए मुझे जब लोग मिलते हैं ना तो मुझे कभी कभार कहते हैं कि वो एक फिल्म थी जब मी वेट जब वी मेट ये मेरा जेंडर खराब है इसको जेंडर नहीं कहते, इंग्लिश खराब है मेरी, इंग्लिश बात से ना मैं इतनी शोखियां मारती हूँ अपनी इंग्लिश की, चलो अब नहीं बोलूंगी मैं लोगों के सामने, मुझे तो क्लास में इंग्लिश मैन इंग्लिश गर्ल कहते थे, इंग्लिश मैन कहते थे इसको अब जेंडर खराब है, हाँ अब जेंडर खराब है, लेकिन कहीं कहीं आके इंग्लिश खराब हो जाती है, तो वो जब वी मेट में एक करीना कपूर थी, गीत का आई थिंक गीत नाम था ना उसका करीना का उस फिल्म में होगा, लेकिन सब कहते हैं कि तुम उसके जैसी भी हो, उस जैसी भी हो, हाँ सब मुझे कहते हैं कि ये एक ऐसा करेक्टर है जो एक ड्रामे में फिट बैठता है, मुझे लेकर एक ड्रामा बनाना चाहिए, आपको क्या लगता है बनाना चाहिए? ठीक है मैं डायरेक्ट करूंगी इसको, तो मैं ड्रामा बनाना चाहिए, है ना मैं होता है ना तो मैं नेचुरल एक्टिंग करूंगी, क्या निम्रा एक्ट्रेस तो तुम पैदा होते साथ ही एक्ट्रेस, मेरे पापा एक्चुअल मुझे कहते थे कि तुम एक्टर हो, हदायतकार कहते थे मुझे हर चीज में, एक्टिंग चलो सिचुएशन दूं एक्टिंग करके दिखा, ठीक है वो रोने खाना खा देना वो बड़ी मुश्किल, रोने वाली, हाँ रोने वाली ना क्या वो तो तुम सेकंड्स लगाती हो रोने में, अब वो मैं बात मुझे घंटा लगा था, माता जी आपको चुप कराते मत रोना शुरू कर देना मुझे चुप कराते, फिर यहाँ पे मेकअप भी खराब हो जाएगा, हाँ चले सिचुएशन लें, सिचुएशन रोने वाली तो करनी नहीं है हमने, तुम ना एक सास की एक्टिंग करो तो मैं तुम्हारी बहू बनती, ठीक है, और मैं ऐसी सास वाली उम्र है तो मुझे सास बनानी है, चेक करें सर, नहीं एक्चुअली बहू अच्छी है ना, सो वो अच्छे वाला मैं रहना चाह रही हूँ, सास वाले जरा तुमने रोटी क्यों नहीं बनाई, क्या टाइम हो गया रोटी का, तुम अभी तक रोटी नहीं बनाती, नहीं सास तुम्हें बनना है इंडियन सास, कोकिला मोदी वाली सास, रसोड़े में कौन था, रसोड़े में कौन था, मैं थी राशि लिरिकल नहीं बनाना तुमने, वो वाला एक्ट करना, ठीक है ओके, आपका नाम क्या है, कुछ भी रख लो, नाम रखेंगे ना मेरे, हाँ ना तुम मुझे वो गोपी बहू बना, गोपी बहू और मैं तुम कोकिला, ओके कोकमो मुझे भी दे, ठीक है ओके, और टॉपिक कुछ भी है, सिचुएशन ये है कि मुझसे मैंने ना अपने हस्बैंड से शिकायत की थी कि आपकी वालदा ऐसी हैं, हस्बैंड ने कहा था माँ जी आप मेरी जो वाइफ है उसके साथ ऐसे क्यों करती हैं, अब तुम्हें पता चल गया है कि मैंने शिकायत की है, ऐसा कोई जड़ू का गुलाम बच्चा मेरा लाना क्या तुम पे, तुम अपनी माँ से भी शिकायत करोगे, बदतमीज हो, चलो हो गया वो नहीं है यहाँ पे, अभी इसी करेक्टर में चल जाती हूँ, ठीक है चलो तुमने मुझे बुलाना है पहले, क्या नाम था आपका, गोपी बाहू आओ जी माँ जी, तुमने मेरे बेटे से मेरे बारे में शिकायत की, नहीं माँ जी मैंने आपकी शिकायत नहीं की, ये तुम शरीफ बनने का नाटक किसके सामने कर रही हो, नहीं माँ जी ऐसी कोई बात नहीं है माँ जी, गोपी बाहू मैं तुम्हें अपनी बेटी समझ के इस घर में लेकर आई थी, इसलिए नहीं लेकर आई थी कि तुम मेरे ही बेटे से मेरी ही शिकायतें करोगी, माँ जी और किसके बेटे से शिकायतें करो, गोपी बाहू तुम्हारी इतनी मजाक है तुम मेरे से जुबान से राजी कराई, जुबान तराजी करोगी, सीरियस हो जुबान तराजी करोगी, नहीं माँ जी ऐसा नहीं है, वो रात को कमरे में आए थे तो मैं रो रही थी तो उन्होंने मुझसे पूछा, तो नाटक ही हुआ ना, तुम रोने की एक्टिंग करोगी, मैंने तुमसे ऐसा क्या कह दिया, माँ जी आपने मुझे डांटा था, मैं तुम्हारी सास हूँ गोपी बहू, पता है मैनू, ओके इट्स डन, आपको कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मेरी एक्टिंग तो सुपर क्लास है इनका बता दिया, नहीं मैं तो एक्ट कर ही नहीं रही थी, मैं तो बस अब तुम्हें साथ दे रही थी, अगर मैं वो बहू बननी थी ना मैं बड़ी प्यारी एक्टिंग करनी थी, तो बन जाता है मैं तो, मुझे भी मौका मिलेगा इसको डांटने का, हाँ चलो बनो बहू, अच्छा ये इंडियन है या पाकिस्तानी है, तुम मेरे हस्बैंड को मुझसे छीनना चाहती हो, तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया, वो तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि वो मुझे छोड़ के कभी भी तुम्हारे नहीं हो सकते, फिर वो आप कहना कि तुम क्या जानती हो कि मेरे पास, अच्छा मैं अपने डायलॉग्स बोल लूंगी मैडम, हाँ यानी मैं आपको कैरेक्टर समझा रही हूँ, यार मैं तो डायरेक्टर भी बन सकती हूँ, चलो जी हमारी मुलाकात हुई है, ठीक आपका क्या नाम है, कुछ भी रख लेते हैं, शिफाई नाम है मेरा, निम्रा नाम है, निम्रा नाम,
मुझे नहीं पता था कि तुम इस किस्म की निकलोगी। तुम मेरी दोस्त बनकर अगर तुम मेरे ही फैमिली पर नजर रखोगी तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। वो मुझसे प्यार करते हैं, वो हमेशा मेरे ही रहेंगे। तो मेरी बात सुनो, पहले तो अपनी टोन नीचे करो, और दूसरी बात ये कि अपने बंदे को संभाल के रखो। वो आता है मेरे पास, मैं नहीं जाती किसी के पास। लड़के ऐसे ही होते हैं। अगर तो फिर अपने हस्बैंड को लगाम डालो ना, मुझे क्यों कह रही हो? अगर तुम पीछे हट सकती हो तो फिर तुम क्यों नहीं हटती? क्यों मेरा घर तबाह करने पर लगी हुई हो? अगर तुम अपने शोहर को खुश नहीं कर सकती तो वो बाहर ही देखेगा ना, और वैसे भी मैं तो उसकी दोस्त हूँ। कितना इतना ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। एक लड़की का लड़का दोस्त नहीं हो सकता शिफा, तुम कब समझोगी ये? तुम मेरी दोस्त हो, मैं तुम्हें किस तरह समझाऊं ये? इट्स ओवर। अगर तुम मुझ पे शक कर रही हो तो ये बिल्कुल गलत है। और दूसरी बात ये कि वो सिर्फ मेरा दोस्त है और कुछ भी नहीं। दोस्त इस तरह नहीं मिलते छुप छुप कर। कहाँ मिली मुझसे छुप के? तो मुझे बताकर क्यों नहीं? कहाँ देखा तुमने मुझे? वाह यार, हम तो बड़े अच्छे एक्टर हैं। ओह यस। अच्छा जी, अब ये थी हमारी एक्टिंग क्लासेस। अगर मुझे किसी ने एक्टर बनाना तो बिना शुभा मुझे फोन खड़काने, मैं बनी बनी हूँ, ठीक है ना? अच्छा यार, एक्ट्रेस हूँ। हाँ, एक्ट्रेस। सॉरी, मेरा जेंडर खराब है। मैं जेंडर तुम्हारा खराब नहीं है, तुम्हारी इंग्लिश खराब है। मेरा जेंडर खराब है? तुम बोलो कि मेरा इंग्लिश में जेंडर खराब है, मतलब मैं फीमेल को मेल बना देती हूँ, मेल को फीमेल बना देती हूँ। मैं इंग्लिश में खान। हाँ, मैं इंग्लिश में खान हूँ। और ये है लड़कियों की अमीर लियाकत। ये काटना नहीं है, आपने मुझे इसकी 5-5 चॉकलेट मिलनी है, 100 रुपए वाली वो भी। ये ना बाहर प्रोड्यूसर से डील करके आई है, और उन्होंने कहा था इसको सिखा के। मैं आपको बताती हूँ उन्होंने मुझे क्या कहा था। उन्होंने कहा था तुम्हें इसको कैमरे पे कहना है लड़कियों की अमीर लियाकत, मैं तुम्हें दूंगा 5 चॉकलेट्स।